यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज का हमारा टॉपिक होगा F11 के F3 में स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर GST। आज हम GST करेंगे, तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि GST होता क्या है। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो अब जब हम क्या करेंगे अपने ही स्टेट में, गुड्स का मतलब माल के ऊपर टैक्स लगना और सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस के ऊपर जो हम सर्विस ले रहे हैं उसके ऊपर। पहले दोनों अलग अलग हुआ करते थे, जैसे एक वैट और एक सर्विस टैक्स, लेकिन अब इन दोनों को कंबाइंड कर दिया, क्या कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब हम इनको कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने GST के नाम से एक टैली बना ली, क्रिएट करी, हमने यहाँ पे हरियाणा डाल दिया। एस्केप कर दिया। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, F11 में जाएंगे, स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर जाएंगे, GST को यस कर देंगे। GST को हमने यस कर दिया और GST डिटेल को भी हमने यस कर दिया, दोनों को यस कर देंगे। GST की डिटेल की बात आती है तो हम टॉपिक करेंगे। सबसे पहले मांग रहा है स्टेट हरियाणा, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, रेगुलर में भरेंगे। जब हम रजिस्ट्रेशन टाइप में डालते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती है, रेगुलर और कॉम्पोजिशन। फर्क क्या होता है दोनों में रजिस्ट्रेशन के अंदर, रेगुलर का मतलब होता है जो कस्टमर है जिसका अच्छे लेवल पे बिजनेस चल रहा है तो वो होता है हमारा रेगुलर। कॉम्पोजिशन मतलब कि कभी उसका बिजनेस चल पड़ता है, कभी नहीं, कभी काम होता है, मतलब कि वो कभी टैक्स भरता है कभी नहीं भरता, तो वो होता है कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट आता है असेसिव और अदर ड्यूटी, ये नो रहेगा। GST एप्लीकेबल कब का कर रहे हैं हम, 1 अप्रैल 2020 से कर रहे हैं। GST यहाँ पे क्या कर देंगे, GST UIN नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो हमारा नंबर है यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये नंबर डाल दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर दिया। देखो जो हमारा GST नंबर होता है ये 15 नंबर्स का होता है, इसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ न्यूमेरिक नंबर होता है। इस नंबर को हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये अपने आप नहीं मिलता, इसे भरने के इसे लेने के लिए एक फॉर्म भरते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये मिलता है। फिर आता है प्रोसोडिसिटी ऑफ GSTR1 रिटर्न, जो इसकी रिटर्न, पहले जो टैक्स हुआ करते थे वो मंथली भी भरे जाते थे, क्वार्टली भी भरे जाते थे, हाफ ईयरली भी और ईयरली भी, लेकिन जो GST है ये आपका मंथली और क्वार्टली भरा जाता है। अब आपको इनमें से कौन सा लेना है, आप जो टैक्स है वो कैसे भरना चाहते हो, मंथली या क्वार्टली। क्वार्टली का मतलब होता है 3 मंथ्स, या तो हर महीने भरोगे या हर 3 मंथ्स के बाद भरोगे। तो हमने यहाँ पे मंथली को सिलेक्ट कर लिया, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास ई वे बिल एप्लीकेबल। ई वे बिल एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है कि अभी तक जो सा GST है ये पहला ऐसा टैक्स है जो ई वे बिल में भरा जाता है, इसे हम ऑफलाइन नहीं भर सकते, इसे ऑनलाइन ही भरा जाता है। और सबसे बाद में एप्लीकेबल फॉर्म हम 1 अप्रैल 2020 का भर रहे हैं। लिमिट इंक्लूड जो है हमारी टैक्सेबल गुड्स वैल्यू है, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे देयर्स होल्ड लिमिट। इसकी लिमिट क्या है, अगर आपकी जो इनकम है 50,000 से ज्यादा की सेल है, अगर आपकी लिमिट जो है 50,000 से अगर आप ज्यादा की सेल कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, अगर इतनी या इससे कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इंटर स्टेट है एप्लीकेबल, इंटर स्टेट कर रहे हो तो हम इसे क्या कर देंगे, यस कर रखा है, डेयर्स और लिमिट 50,000 ही रहेगी। एडवांस रिसिप्ट है या नहीं, हमने कहा नहीं है, हमने रेट की डिटेल डालनी है, यस कर दिया, ठीक है। GST कौन सा गुड है, टैक्सेबल गुड्स है। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब क्या होता है, GST के अंदर दो चीजें आती हैं, GST के अंदर दो चीजें आती हैं,
जब हम यहाँ पे गुड्स लेते हैं तो कुछ हमारा, जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज लिया 10%, तो हमारा जो सा टैक्स होगा जीएसटी का 5% तो हमारा सी जीएसटी पे जाता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 5% जो है हमारा एसजीएसटी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो हमने यहाँ पे 10% भरा, टैक्स हम नहीं दे रहे, और हमने इसको क्लासिफिकेशन करना है तो यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर दिया। तो इंटीग्रेटेड, और इसका क्या मतलब होता है, जो इंटीग्रेटेड होगा ये एक ही गवर्नमेंट को जाएगा। इंटीग्रेटेड टैक्स कब लगता है, जब हम अदर स्टेट से गुड्स को मंगवा रहे हैं और बेच रहे हैं। जब हम, जैसे हम कहीं और, जैसे हमने दिल्ली से माल मंगवाया तो हमें आधा टैक्स कहाँ देना है, अपनी गवर्नमेंट को देना है, और आधा कहाँ देना है, उनकी गवर्नमेंट को देना है। तो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया और बाहर आ गए। अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाएंगे, सबसे पहले लेजर बनाएंगे हम की रेट। हमने सबसे पहले बनाया परचेज का लेजर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज, और यहाँ पे हमने परचेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट। तो हम यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी की डिटेल को भी। यहाँ पे हमने ऑल्ट प्लस सी से जीएसटी बना लिया। किस चीज का है, हमारा जो है परचेज है, टैक्सेबल है, तो हमने परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कौन सा हमारा, यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स है, कैपिटल गुड्स है हमारे। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना लग रहा है, 10%। हर जगह पे सेम डाल के आएंगे, सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आता है बना हुआ है हमारा। अब हमने यहाँ पे क्या करा, इसको नेचर को ले लिया, परचेज टैक्सेबल को, परचेज टैक्सेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, 10% सिलेक्ट कर लिया हमने। क्या कर रहे हैं, गुड्स के ऊपर या सर्विस के ऊपर, गुड्स के ऊपर। जब सर्विस करेंगे तो सर्विस पे, तो हमने गुड्स को सिलेक्ट कर लिया, गुड्स हो गया हमारा। ऐसे ही हम सेल का बना लेंगे। तो आप सेल का जब बनाओगे तो सेल किस में जाएगी, सेल अकाउंट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल को एप्लीकेबल है हमारा, रेट डिटेल डाल दी, यस। यहाँ पे हमने हाई कर दिया, परचेज टैक्सेबल है हमारी, सॉरी अब हमने सेल का बनाया है तो सेल टैक्सेबल डालेंगे यहाँ पर। हमने देखा हमारा सेल टैक्सेबल कहाँ पर है, सिलेक्ट कर लिया। कितने से, अगर परचेज 10% पे, तो ये भी 10% पे रहेगी। गुड्स के ऊपर रहेगी, गुड्स को सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम बनाएंगे सी जी एस टी इनपुट, सी इनपुट मतलब कि स्टेट इनपुट जीएसटी एट ऑफ द रेट जो भी है 5% डाल देंगे, जितना आपने ले रखा है उतना, ठीक है। उसको किस में डालेंगे, जो भी टैक्स होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाता है, जीएसटी। देखो जैसे हम जीएसटी पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ लेगा, इंटीग्रेटेड मतलब कि एक ही बाहर की गवर्नमेंट को जा रहा है, स्टेट और सेंट्रल। हमने सी बनाया है तो हम सेंट्रल को सिलेक्ट करेंगे, और कितना परसेंट, 5%। टोटल 10 था इंटीग्रेटेड के अंदर, 5 नॉर्मल रख दिया इसको और बना दिया। अब हम क्या बनाएंगे, एस इनपुट जीएसटी एट ऑफ दी 5%। नेक्स्ट फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जीएसटी के अंदर सिलेक्ट करेंगे, स्टेट के पास जाएंगे, स्टेट के पास 5% से सिलेक्ट कर लिया। ऐसा ही सी आउटपुट के नाम से भी बनाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी सेम वही सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करा 5%, क्योंकि ये सी जो आउटपुट होता है ये आपकी सेल के ऊपर लगता है। अब क्या बनाएंगे, एस आउटपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, ये सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप ये सही सिलेक्ट नहीं कर रहे तो आगे आपके अमाउंट को कैलकुलेट नहीं करेगा। तो हमने स्टेट 5%, हमने कहा हम कैश में ही एंट्री करेंगे या फिर हम उधार में कर रहे हैं तो डेटर और क्रेडिटर्स भी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटर्स बना लिया,
सन्ड्री डेटर्स, ऐसे ही हम क्रेडिटर्स भी बना लेते। हमने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स बना लिया, बिल बाय बिल यस रहेगा और हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग वाउचर के अंदर गए, परचेज करेंगे पहले तभी सेल करेंगे, तो हमने यहाँ पे ओल्ड प्लस आई से पर्टिकुलर्स कर लिया। उसके बाद आपसे इनवॉइस नंबर मांग रहा है, वन दे दिया पार्टी नेम में। आप परचेज कर रहे हैं तो किससे करेंगे, क्रेडिटर से। यहाँ पे एंटर करा, बिल नंबर डालना जरूरी है, परचेज, परचेज को क्लिक कर दिया। कितने की परचेज कर रहे हो, हमने कहा 1 लाख की, हमने 1 लाख को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या डाल दिया, 1 लाख रुपए, हमने 1 लाख को सिलेक्ट करा। अब परचेज के ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, सी इनपुट लगेगा पहले, तो हमने सी इनपुट जीएसटी को सिलेक्ट करा। तो देखो आपकी अमाउंट कैलकुलेट होके आई है, इसका मतलब इतना हमारा जितना भी काम था वो ठीक है। अब हम एस इनपुट लेंगे, दोनों को ले लिया, अगर नहीं ले रहा तो इसका मतलब कहीं पे गलती की है। दोनों कैलकुलेट हो गई, देखो आधा जो टैक्स था इनपुट जो हम दे रहे थे वो आधा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आधा कहाँ पे आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो हम यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। हमने माल कितने का लिया, 1 लाख रुपए का, और उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, 10,000। तो हम टोटल पेमेंट कितनी करेंगे, 1,10,000। ऐसे ही हम सेल की एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम सेल के वाउचर पे गए, यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया पार्टी, जिसको माल बेचेंगे वो क्या बन जाएगा, डेटर्स। हमने यहाँ पे डेटर्स सेल कर रहे हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कितने से, वही माल हमने 1,50,000 रुपए में बेच दिया, तो क्या करेंगे, वही टैक्स लेंगे। बट पहले हम इनपुट ले रहे थे, अब क्या लेने लगेगा, आउटपुट। तो देखो 7500 रुपए ले लिया, ऐसे ही अब क्या ले लेंगे, एस आउटपुट लेंगे। तो हमने एस आउटपुट ले लिया, देखो इसको भी कैलकुलेट कर लिया है, इसका मतलब कि हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है। अब हमने ये ले लिया, जब हम दोनों टैक्स मतलब कि गुड्स खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, जब गुड्स बेचेंगे तो हम पब्लिक जिसको भी माल बेच रहे हैं कस्टमर को उससे टैक्स लेते हैं। तो देखो अब कौन सा टैक्स ज्यादा आया, हमने 1 लाख वाला माल 1,50,000 में बेच दिया है। जैसे जैसे हमारी गुड्स की अमाउंट बढ़ती है वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ जाता है। तो आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर कि हमने क्या किया था, लाइबिलिटीज दिखा रहा है 1,15,000 रुपए से, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा टैक्स की अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे 10,000 रुपए ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। 10,000 रुपए का हमने परचेज करते हुए माल क्या किया था, डाला था, और 15,000 रुपए का हमने लिया है अपने कस्टमर से, मतलब कि हमने टैक्स 5,000 रुपए ज्यादा लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। अब तक जो हमने एडजस्टमेंट सीखी थी उसमें हमारी सिंगल एडजस्टमेंट थी, अब इसमें हम डबल एडजस्टमेंट सीखेंगे। कैसे सीखेंगे ये देखेंगे। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि इनपुट जो है दोनों में ही कम है और आउटपुट दोनों में ज्यादा है। जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, डेबिट हो जाता है पहले, तो हम इन दोनों को डेबिट तो करेंगे लेकिन इन दोनों में अमाउंट कौन सी डालेंगे, इनपुट वाली। तो अब एडजस्टमेंट करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, जर्नल के अंदर। तो F7 प्रेस किया, डेट चेंज कर दी हमने, और क्या लेंगे सबसे पहले, आउटपुट। तो हमने सी आउटपुट लिया, 7500 दिखा रहा है लेकिन इनपुट 5,000 तो हम दे चुके हैं, तो हमें गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 2500। देखो यहाँ पे 2500 शो कर दिया करंट बैलेंस के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे दोबारा बाय लेना है तो बी प्रेस करा, बाय। अब क्या लेना है, एस लेना है आउटपुट, तो एस आउटपुट को सिलेक्ट करा। इसमें भी 7500 दिखा रहा है लेकिन हमने 2500 पे करना है क्योंकि 5,000 हम पहले से पे कर चुके हैं। अब क्या लेंगे, सी इनपुट लेंगे पहले क्योंकि इनपुट था, 5,000 रुपए से 10,000 को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि हमें एस इनपुट की भी एडजस्टमेंट करनी है। तो हमने एस इनपुट की भी एडजस्टमेंट करी हमने 5,000 रुपए से। तो देखो दोनों में 0,0 बैलेंस हो गया है और इसके अंदर 2500 और 2500 से, तो हमने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। तो देखो आपकी यहाँ पे एंट्री एडजस्ट हो चुकी है।
अब जब हम बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे अंदर जाकर कि पहले यहाँ पे 10,000 और 15,000 रुपए दिखा रहा था, तो हमने एंट्री की, देखो 2500 दिखा रहा है, तो हमें पेमेंट करनी है तो कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेमेंट की एंट्री, डेट डाली हमने यहाँ पर 31/3 तारीख को, क्योंकि हमारे पास बीच में महीने की डेट चेंज नहीं होती, इसलिए पेमेंट के अंदर गए तो कौन सा टैक्स पे करना है, हमने पहले सी आउटपुट 2500 रुपए, देखो जीरो बैलेंस हो जाएगा, और वापिस से बाय डाला और क्या करना है एस आउटपुट, तो इसका बैलेंस भी यहाँ पे अब आके जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम एंट्री कर रहे हैं और जो हमारी जीएसटी का जो टैक्स है वो किससे पे किया जाएगा, बैंक से, हम उसको कैश में पे नहीं करते क्योंकि वो उसके लिए हमें चेक देना पड़ता है, तो हमने इसके लिए बैंक का लेजर बनाया, हमने उसको पे कर दिया। अब आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर जाकर यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटीज थी उसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस जो था वो जीरो हो गया है बैलेंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। ऐसा ही सेम इंटीग्रेटेड के अंदर रहेगा, जब हम किसी दूसरी जगह से माल मंगा रहे हैं बाहर फॉरन वगैरह से, तो उसके अंदर कौन सा टैक्स लगेगा, इंटीग्रेटेड जो वो टैक्स रहेगा उसके अंदर हमें सी इनपुट और आउटपुट बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें हम एक ही टैक्स बनाएंगे, तो परचेज और सेल हमारे पास है पड़ा तो हम इंटीग्रेटेड का टैक्स बनाते हैं। अगर हमारे पास उसके अंदर परसेंटेज चेंज हो रही है तो हमें उसकी परचेज और सेल का भी बनाना पड़ेगा, तो अब इसमें अगर हमारी चेंज हो रही है तो हम उसके लिए बनाएंगे, क्योंकि पहले 5% था तो हमने कहा जो इंटीग्रेटेड है हमारा 8% का है, तो हमने यहाँ पे 8% परचेज डाल दिया परचेज अकाउंट के अंदर, एप्लीकेबल जीएसटी को यस करेंगे, परचेज टैक्सेबल है हमारी तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, कितना 8% गुड्स के ऊपर लग रहा है, आप सर्विस को भी कर सकते हो अगर आपकी सर्विस है तो, पर मैंने गुड्स लिया है तो सेल का दिखा रहा है बना हुआ है, लेकिन हमें क्या बनाना है 8%, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेटेड सेल, लेकिन मैंने सेल लिख दिया खाली सेल अकाउंट, क्योंकि इसका अलग से बनता है इंटीग्रेटेड के लिए। यस, हमने यहाँ पे सेल टैक्सेबल कर दिया कितना 8% गुड्स के ऊपर सिलेक्ट कर दिया, अब क्या बनाएंगे इंटीग्रेटेड इनपुट एट ऑफ द 8% ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, किसमें जाएगा जीएसटी के अंदर, इंटीग्रेटेड टैक्स है कितना 8%, ऐसे ही हम बनाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड एट ऑफ दी कितना यहाँ पे 8% आउटपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी के अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स 8%, तो देखो हमारा ये भी बन गया है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर, सबसे पहले परचेज करेंगे तो हम परचेज के ऊपर गए तो डेट चेंज करी हमने 1/4/2020 की एंट्री है, तो बिल नंबर डाल दिया डेट, तो हमने किसको करा इंटीग्रेटेड भी, अगर आप कैश की करना चाहते हो तो कैश की कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे उधार में कर दिया क्रेडिटर्स, परचेज 8% है इंटीग्रेटेड वाली, कितने का माल है 20,000 रुपए का, ठीक है इंटीग्रेटेड क्या लगेगा इनपुट, देखो कैलकुलेट नहीं किया है या तो कहीं पे कुछ ऑप्शन रह गया है, कंट्रोल प्लस एंटर करके देखते हैं, दिखाई देता है तो 8%, या फिर हमारा हो सकता है परचेज के अंदर भी रह गया हो, कंट्रोल प्लस एंटर से जीएसटी की डिटेल, जीएसटी बना हुआ है ऑलरेडी इंटीग्रेटेड के नाम से जाती हैं, परचेज टैक्सेबल कैपिटल गुड्स कितना 8%, हमने ये बनाया नहीं था,
ले रहा, हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना बनता है 8%। यहाँ पे निकाला हमने 1600 रुपए, तो हमने इसको 1600 रुपए को ले लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। ऐसा ही सेम हम सेल के अंदर करेंगे, तो हमने यहाँ पे सेल का वाउचर लिया, रेफरेंस नंबर डाल दिया और यहाँ पे क्या ले लिया, डेटर्स। तो आप इसके अंदर एंट्री करोगे, तो हमने यहाँ पे ले लिया परचेज, सॉरी सेल कितनी 8%। हमने कितने का माल, हमने वो माल 30,000 रुपए में बेचा है, तो इंटीग्रेटेड आउटपुट लगेगा क्योंकि हम इंटीग्रेटेड का माल बेच रहे हैं। कितना आ गया, 2400 रुपए। ठीक है, अब हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब हम कहाँ पे देखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। तो देखो 1600 रुपए हमने पे किया था और हम अपने कस्टमर से कितना ले रहे हैं, 2400 रुपए। तो कितने का डिफरेंस है, 800 रुपए हमने और देना है गवर्नमेंट को इंटीग्रेटेड टैक्स। तो आप एंटर करके भी देख सकते हो, 800 का डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो कहाँ पे गए, F7 के अंदर गए, डेट चेंज कर दी हमने 2 तारीख को। पहले क्या आएगा, आउटपुट जो ज्यादा होता है वो पहले आता है। तो हमने इंटीग्रेटेड को सिलेक्ट करा कितने से, 1600। यहाँ पे देखो 800 रुपए दिखा देगा। 2 के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेटेड इनपुट, ये 0 हो जाएगा आपका। 31 तारीख को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे F5 में। यहाँ पे क्या पेमेंट करी हमने, सी इंटीग्रेटेड आउटपुट की। तो हमने इंटीग्रेटेड आउटपुट को सिलेक्ट करा, 800 रुपए है तो 800 रुपए जाएगी। देखो करंट बैलेंस 0 हो गया है, बैंक से पेमेंट करती है हमने इसकी। अब आप जाके बैलेंस शीट के अंदर देखोगे, हमारा जो ऑप्शन था ड्यूटी एंड टैक्सेस का, उसकी अमाउंट जो है नील हो गई है। आपने यहाँ पे क्या किया, CGST, SGST और इंटीग्रेटेड GST। तो जो आज का हमारा टॉपिक था GST का, वो यहीं तक था। बस इतना सा ध्यान रखना, जैसे VAT के अंदर हमारी वैल्यू ऐड होती है, उसके अंदर टैक्स बढ़ जाता है, वैसे ही इसके अंदर हमारा, अगर टैक्स की जो हमारी गुड्स की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। इसलिए जो इनपुट और आउटपुट होता है उसके बीच में डिफरेंस आता है। आउटपुट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हम अपनी इनकम जोड़ के गुड्स को सेल करते हैं। तो हमने अगर उसको गुड्स को सेल किया है तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा इनपुट और आउटपुट में, तो हमारा आउटपुट ज्यादा होता है तो हमें उसे पे करना होता है। तो जब हम उसे पे करते हैं, जो हम क्या करेंगे, इनपुट में आउटपुट में से माइनस कर देंगे इनपुट को, वो सब चीजें हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाता है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, क्योंकि वो एक लायबिलिटी बन जाती है, उसका हमने टैक्स देना है। जब वो लायबिलिटी बनती है तो सबसे पहले हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद ही एंट्री करते हैं। अगर हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो वो आउटपुट की पूरी अमाउंट को हमसे मांगेगा, इसलिए हम पहले एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद ही आउटपुट की एंट्री करेंगे। अब बात आती है कि हम एडजस्टमेंट करते क्यों हैं? एडजस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट हम पहले से ही दे चुके होते हैं गवर्नमेंट को, इसलिए हमें उसको क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था, उससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।